आत्मनिर्भर भारत के तहत अखिलानंद सरस्वती गौशाला द्वारा 404 पर गाय के गोबर से बनी वस्तुओं की स्टॉल लगाई गई है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर वहां पहुंचे और कई तरह की सामग्री भी खरीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल वोकल के नारे को चरितार्थ करते हुए दुंदड़का की संस्था श्री अखिलानंद सरस्वती गौशाला के द्वारा मंगलवार को नीमच के भारत माता चौराहे पर गाय के गोबर से बनी सजावटी एवं दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्रियों की स्टॉल लगाई। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से श्री अखिल आनंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला के द्वारा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वदेशी उत्पादों का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही दिवाली के उपलक्ष्य में सजावटी सामग्री धूप बत्ती, गोमूत्र का अर्घ, मंजन, साबुन, धूप बत्ती, दीपक सहित दैनिक उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए नीमच के भारत माता चौराहे पर संस्था के सदस्यों द्वारा स्टॉल लगाई गई, जहां भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्वयं भी सामग्री खरीदी गई एवं आम जनता से भी स्वदेशी सामग्री खरीदने की अपील की। अभी जो केंद्र की सरकार है, सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस लोकल पे है। क्या स्वदेशी बनाया जा सकता है, स्वदेशी का अधिक से अधिक उपयोग हो, और इसीलिए आज कहीं न कहीं भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, क्योंकि जितनी आत्मनिर्भरता आएगी कहीं न कहीं मजबूती इस देश के अंदर आएगी। इसीलिए आज दीपावली के इस पावन अवसर पर, इस उत्सव पर हमारे मित्र हैं भाई अर्जुन जी, इनने गाय के गोबर से बने हुए उत्पादों का ये विक्रय कर रहे हैं, जिसको हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर हम सब लोग आए हैं, और भी लोग जो समाज है, जनता है, कहीं न कहीं इन उत्पादों को खरीदने में ज़्यादा उत्साहित है। तो वो लोकल फॉर वोकल को जिस प्रकार से मोदी जी ने उठाया है और प्रोत्साहित किया है, उसके कारण से सारे उत्सवों में हमको ये देखने को मिलता है। गणेश उत्सव में भी हम लोग जब जाते हैं तो मूर्तियाँ गोबर की देखने को मिलती है, पर अगर मूर्तियाँ गोबर की होगी या ये जितने प्रकार के जो सामान हैं ये अगर गोबर के होंगे, तो जब भी इनका कहीं डिस्पोजल, जैसे किसी मूर्ति है और मूर्ति को हम जब पानी में उसको विसर्जित करते हैं तो पानी पॉल्यूट नहीं होता है, पानी कहीं कहीं प्रदूषित नहीं होता है। तो इस दिशा में भारत बढ़ रहा है और कहीं कहीं जागरूकता आ रही है, और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता इस प्रकार के उत्पादों को खरीद कर और सभी लोगों से और सभी समाजजनों से, जिलेवासियों से ये आग्रह करने आए हैं कि हम सब लोग मिलकर और लोकल उत्पादों को खरीदें और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। उद्देश्य तो यह रहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के स्वयंसेवक हैं, हम नागपुर ट्रेनिंग लेने गए थे, वहाँ हमें लगा कि गाय कोई अनुपयोगी नहीं है, हम गाय से भी पैसा कमा सकते हैं, गौमूत्र गोबर से, दूध तो बोनस में है, हम किस प्रकार गाय के गोबर से, आप जो देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, इस प्रकार के डेकोरेशन के सामान बना सकते हैं। और अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दुंदड़का दलौदा की समिति दिन रात इसमें लगी हुई कि गाय की वैल्यू किस प्रकार बनाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं रूप से हमारे घर से गाय निकलने पर बीमारियां घर के अंदर आ गई हैं। तो हम गाय के उत्पाद जैसे गौमूत्र अर्क है, जैसे गौमूत्र गोबर से बनी हुआ धूपबत्ती है, मंजन है, साबुन है, शैम्पू है, फिनाइल है, बहुत सारी गाय के गौमूत्र गोबर, नीम, तुलसी से बन सकते हैं, उन चीज़ों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसलिए अखिलानंद सरस्वती ग्रामीण गौशाला दुंदड़का दलौदा ट्रेनिंग भी देती है सिखाने के लिए उसमें, और वहाँ उत्पाद बनाते भी, हम स्व सहायता समूह के माध्यम से उत्पाद बनाते हैं और जगह जगह स्टॉल लगा के, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और स्वदेशी उत्पाद, लोकल फॉर वोकल का जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, उसको यदि हम सब मिलकर करेंगे तो एक न एक दिन इन गाय की फिर से वैल्यू बन पाएगी, और जिसे हम माँ का दर्जा कहते हैं, जो दर दर की ठोकर खा रही है, वो फिर से घर घर स्थापित हो पाएगी। इसी दिशा में हमारा काम है, और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर और हमारे कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों के साथ मिलकर गाय को फिर से घर घर किस प्रकार स्थापित किया जा सके उसमें लगे हुए हैं, जिसमें गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है, और अच्छे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पवन जी पाटीदार हैं, उनका भी अच्छा सहयोग मिला। हमारी गौशाला के अध्यक्ष महोदय आशाराम जी पाटीदार भी हमारे साथ आए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है, इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि हम किस प्रकार गाय को फिर से उसकी जो खोई हुई उसका मान सम्मान है, वो किस प्रकार उस गाय का लौटा सके, क्योंकि गौमूत्र गोबर में धनवंतरी, गोबर में गौमय वस्ते लक्ष्मी, अब गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, तो किस प्रकार इसे इस ऐसे तरह तरह से प्रोडक्ट बनाकर गाय के गोबर से हम लक्ष्मी जी का लक्ष्मी प्रदान